वेलकम बैक टू माई चैनल विच इशू की दुनिया। अभी बज रहे हैं सुबह का 8 और हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन की ओर। अभी दिल्ली बहुत घूम ली है, बहुत हो गया वेकेशन, अब जा रहे हैं दिल्ली की ओर मम्मी पापा को साथ में लेके। तो हम लोग बैठ गए हैं कैब में और जा रहे हैं स्टेशन की ओर। यहाँ से करीब 1-1.5 घंटा लगेगा। सामने की तरफ पापा बैठे हैं, पीछे मेरे गोद में शुभ बैठा है, सबके पापा बैठे हैं और यहाँ पे बगल में शुभ की दादी बैठी है। तो हम लोग सभी मिलके जा रहे हैं और ट्रेन है 11:30 बजे आई थिंक, तो 1 घंटा पहले जाके पहुँचेंगे। पहले कम से कम बाबूजी को ले चलेंगे और सामान ले चलेंगे और B4 के बराबर 800 रुपये ले लो। कम पड़ेगा मालिक साहब, हम भी मजदूर हैं आपका। करो सर, सर भी सर तो फीचर लेके आता हूँ, आप काम कराओ, जो आपको अच्छा लगे वो दे देना। और बताओ एक बार जो भाई ये बोल रहे हैं, एक बार आपको अच्छा लगा वो दे देना, फीचर लेके सामान। यहाँ पे कुली के साथ बार्गेनिंग कर लिया है। अभी पापा क्या है, चलते नहीं बनता है पापा से ना, तो पापा को व्हीलचेयर में बैठा के हम लोग ले जाएंगे। तो कुली से बातचीत हो रखी है और अभी ये 2 कुली है, एक सामान लेके जा रहा है और एक पापा को लेके जा रहा है। देखिए सामने दिख रहा होगा आपको और पीछे हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं और अंदर स्टेशन के अंदर, और उसके बाद ट्रेन आएगी तो हम लोग बैठ जाएंगे। ट्रेन तो आ गई है, हम लोग बैठ भी गए हैं, खा पी लिया है, खाना लेके आए थे घर से, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है और कुछ खाना ऑर्डर भी किया था। अब सब सोने की तैयारी चल रही है सबकी, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, कुछ दिन से बहुत घूमना फिरना हो गया था तो इसीलिए बहुत थके हुए हैं, तो सोने की तैयारी चल रही है। सो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, देन आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 22 घंटे का रन है तो बीच बीच में मिलते ही रहेंगे आपसे। ऊपर मैं सो रही हूँ, नीचे शुभ सो रहा है, बीच वाले इसमें मेरे अपोजिट में, उसके ऊपर शुभ के पापा। और गुड इवनिंग दोस्तों, शाम को मैं उठ गई थी, अभी हम लोगों ने खाना मंगाया है, खाना पूरी तरह से आया नहीं है, गलत खाना आया है, तो जो भी हो दोपहर का खाना कुछ बचा हुआ था तो खाना मंगाया है। अभी हम लोग खा पी के फिर सो जाएंगे, क्या करेंगे बैठ के, वैसे भी बोर ही हो रहे हैं तो वही मोबाइल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो मम्मी पापा तो सो ही जाएंगे, मैं शुभ और उसके पापा हम लोग बैठ के मूवी देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया है मम्मी के लिए अंडा करी और रोटी, और हम लोग खिचड़ी चावल दाल। तो ये देखिए, ये दोपहर का पुलाव रखा हुआ है और वेज बिरयानी है, और मम्मी के लिए अंडा करी और रोटी जो कि पापा भी खा रहे हैं। खा पी के हम लोग अभी सो जाएंगे। ये देखिए, ये ना अंडा करी और वहाँ पे है वेज बिरयानी। सो खा पी के सो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अभी सब सोने की तैयारी है। पूरा अंधेरा था तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सब डिस्टर्ब होंगे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तो गाइज मैं भी सोती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग 8 बजे पहुंचने वाले थे, पर गाड़ी 3 घंटे लेट चल रही है तो हम लोग पहुंचेंगे 11:30 बजे। तो अभी सभी लोग सो ही रहे हैं, मैं भी, मेरी भी आँख पूरी तरह से खुल नहीं रही है। मैं शुभ से मिलाती हूँ, शुभ क्या कर रहा है। शुभ सो रही है, शुभ की दादी सो रही है, नीचे शुभ की दादी सो रही है। सो अभी हम लोगों ने चाय वाय कुछ नहीं पिया है, सो ही रहे हैं, वो देखते हैं कब तक कौन उठता है, उसके बाद फिर फ्रेश होते हैं। ऐसा तो लेट है पहुंचने में, तो वो देखते हैं कब कौन उठता है। और सभी लोग उठेंगे तभी मैं सबसे मिलाती हूँ आपको। बज रहे हैं और सभी लोग उठ चुके हैं, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और घर जाते जाते काफ़ी समय लगेगा। गुड मॉर्निंग। कितना टाइम लगेगा जाने में, कितना घंटा लेट है? 3:30 घंटे 12 बजे का सही है। अभी बज रहा है दोपहर के 12 और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, बस बैग वैग सब रेडी करके रख दिए हैं, बस ट्रेन रुकेगी और हम लोग उतर जाएंगे। आउटर में है रेलवे स्टेशन के, ये देखिए हम लोग करीब पहुँच ही गए हैं, थोड़ी देर में घर भी पहुँच जाएंगे, आधा 1 घंटा लगेगा।
गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं। मैंने खाना वाना बना लिया, नहा धो हो गया है, नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ कर लिया है, अभी जाएंगे खाना खाने। शुभ के पापा ऑफिस चले गए हैं और उन्होंने टिफ़िन बनाने से मना कर दिया, उनके लिए मैंने टिफ़िन नहीं बनाया, लंच लेके नहीं गए हैं, कह रहे थे कि मैं जाके कहीं से एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे हम लोग, 3.5 घंटा लेट हमारी ट्रेन थी। हम लोग कितने बजे पहुँचे? 12 बजे ना, 12:15 बजे तो वहाँ पहुँचे, घर पहुँचते पहुँचते 12:30 हो गया, तो अभी बज रहे हैं 2:30। तो मैं नीचे जा रही हूँ, पापा जी को खाना देती हूँ, शुभ को खाना दे देती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करेंगे, देन पूरा बैग अनपैक करेंगे। देखिए सब पड़ा हुआ यहाँ है, सामने सोफ़ा के पास है और नीचे भी है। एक दिन मैं आपको पूरा होम टूर दिखाऊंगी, अभी तो फिलहाल समय नहीं है, पूरा घर अस्त व्यस्त है तो पूरा सजा लेते हैं, घर को पूरा ठीक कर लेते हैं और फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइज हमने खाना पीना खा लिया है, अभी भी सबसे पहले तो थोड़ा सा सामान को इधर उधर कर लेते हैं। ये मेरा बैग रखा हुआ है, इसको रख लेते जगह पे, यहीं पे डम करूँगी मैं, अभी तो यहीं पे डम करूँगी, उसके बाद उसके अंदर सब शिफ्ट कर दूँगी। ये मेरी चाबी। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो सामान मैं लाई थी उसमें से ये रिंग भी मैं अपने लिए लाई थी, और ये मेरे लिए, और ये शुभ के लिए ये चैन, उसने दिखाया था मेरे ख्याल से, ये चैन टी शर्ट नहीं दिखाया ना, टी शर्ट दिखा दिया था तुम्हारा और दीदी का, सब दिखा दिया था। ये रहा शुभ, खा पी के पसर गया पूरी तरह से, किया कुछ नहीं है, देखो मेरा फ़ोन लॉक हो रहा है, अनलॉक हो रहा है बार बार। ये जो दो कवर है छुट्टी पापा अपने लिए मंगाए थे यहीं पे रायपुर में ही, बहुत सुंदर है ना, कितना सुंदर है, लेकिन ये पापा के फ़ोन में फिट नहीं हो रहा है। क्यों? ये 11R का, पापा के पास 11 है, तो ये थोड़ा सा खक जा रहा है, तो चेंज नहीं कर सकते इसको? अब तो टाइम निकल गया है ना, और अगर इसको लगा के रख रहे हैं तो फ़ोन भी बंद हो जा रहा है। ऐसा? अरे यार, तो तुरंत में चेक करके देखना चाहिए था ना, फालतू पैसा वेस्ट। पापा तब थे ही कहाँ, पापा तब गोवा में थे, गोवा चले गए थे, अभी समय नहीं निकला है, 1 वीक का समय होता है, देखते हैं ना, देखते हैं ना, एक बार रिप्लेस के लिए डाल देते हैं। इसका तो नहीं जाएगा, ये टैग है, इसका टैग निकला नहीं है, इसका तो निकल चुका है, बाकी सुंदर है बहुत दिखने में। और वैसे तो उसके पापा का फ़ोन तो मैं ले लूँगी, ये रहा टैग, इसमें डाल के रख दो, इनका फ़ोन ना गाइज मैं ले लूँगी, तो मेरे पास ही आएगा, पर ना फिलहाल तो अभी मेरा मन नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़, सॉरी एकदम सामने आ गया था फ़ोन, कोई भी चीज़ अगर यूज़ करने लगो, फ़ोन नहीं, फ़ोन से वीडियो करती थी ना, इसलिए कैमरा को भी मैंने फ़ोन बोल दिया। सो कोई भी चीज़ आप यूज़ करो और उसके बाद उसको आप छोड़ नहीं सकते, मेरा तो मन नहीं होता है, इसलिए उसके पापा मुझे बार बार बोल रहे हैं। आईफोन जैसा है उसका बैक करने का बटन, तो अभी तो आईफोन ऑपरेट करना मुझे आ गया, पहले मैं बहुत परेशान होती थी, कब कब आईफोन को मैं चेंज करूँ ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं ऑपरेट नहीं कर पाती थी, और आईफोन ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी उसके पापा तो मेरे पीछे पड़े हुए कि तुम मेरा फ़ोन ले लो और अपना वाला मुझे दे दो, अभी भी फ़िलहाल मैं उनका ही यूज़ कर रही हूँ, मेरा वाला ख़राब हो चुका था, फिर उन्होंने अपना वाला मुझे दे दिया और खुद नया वाला ले लिए, मुझे बोले थे कि तुम ले लो पर मैंने नहीं लिया, नहीं चाहिए मेरे पास है, अब मेरे पास तो ये गिम्बल भी आ गया, तो इससे मेरा हो जाएगा GoPro, सॉरी, तो ये तो आ गया है, इससे मेरा हो जाएगा, आईफोन है, अगर अपडेट करना है आगे चल के आईफोन को अपडेट करेंगे, फिलहाल तो नहीं, अभी मेरे को एक अच्छा सा लैपटॉप लेना है एडिटिंग के लिए, और इसी में मेरा काम चल जाएगा, फिलहाल तो मुझे उतना एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं चाहिए यूज़ करने के लिए। तो गाइज अभी थोड़ा सा रेस्ट, निन्नी टाइम है, थोड़ी देर सो लेते, पावर नैप ले लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी पापा नीचे हैं, खाना पापा का हो गया है, मम्मी खाना खा रही है, शुभ के पापा ऑफिस गए एज यूजुअल, वो जब आएंगे उनसे मिला दूंगी, अभी थोड़ी देर पसर जाते हैं, तो बाय बोल दो थोड़ी देर के लिए। हैं 10:45 घड़ी, तो 10 मिनट फास्ट हैं, शुभ के पापा अभी आ गए हैं थोड़ी देर पहले, अभी इन लोगों को खाना दे देती हूँ, वहाँ मैं मच्छरदानी ना, हम लोग मच्छरदानी टांग के सोते हैं, तो थोड़ा सा फट गया है, सिलाई निकल गई है, तो उसको मैं सिल रही थी, अभी इन लोगों को खाना दे देती हूँ, तो शुभ नीचे चला गया है और इनको भी निकला लेती हूँ, खाना परोस देती हूँ। वैसे मैंने बैग तो अनपैक अभी किया नहीं है, आप दिखाती हूँ आपको, हर जगह पे फैला हुआ है, पूरे रूम में फैला हुआ है, पूरे रूम में देखिए, क्या सब मैं समेटूँगी, अभी नहीं तो फिलहाल अभी खाना खाने जाते हैं। और तो जी कहीं सभी लोगों ने खा पी लिया, अभी आज के तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बोल दो। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।